नमस्कार दोस्तों, हमारी प्रतियोगिता के तहत आज चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बताया जाएगा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या था और उसमें किसने सही सही जवाब दिया है। तो मैं बता दूं कि हमने पूछा था, ऐसी कौन सी दो राशियां होती हैं या ऐसी कौन सी राशियां होती हैं जिनका चुनाव चिन्ह जो होता है वो जीवित नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है हमारे पास वो आता है तुला राशि और कुंभ राशि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुला राशि के लिए तराजू जो कि जीवित वस्तु नहीं है और कुंभ यानी कि घड़ा वो भी जीवित वस्तु में नहीं आता, बाकी सब में जीवित चिन्हों का प्रयोग किया गया है। कतिपय कुछ लोगों को धनु राशि का भी संशय रहा है, लेकिन धनु राशि का मैं आपको बता दूं कि धनु राशि का चिन्ह जो होता है वो एक इस तरह की मानव आकृति होती है कि ऊपर शरीर मनुष्य का होता है, नीचे घोड़ा होता है और उसके हाथ में तीर कमान लिया हुआ होता है, यानी वो भी एक जीवित अवस्था को दर्शाता है। तो आंसर था तुला और कुंभ राशि। और जो हमारे इसके विजेता रहे हैं इस बार के वो रहे हैं श्रीकांत भारद्वाज 3661। इन्होंने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर श्रीकांत जी हमें सुन रहे हैं तो कृपया करके अपनी डिटेल्स क्या जानना चाहते हैं ये सब बातें हमें भेज दें ताकि उनकी कुंडलियों का एनालिसिस निःशुल्क रूप से आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से किया जा सके। अब अगला प्रश्न यानी प्रतियोगिता नंबर 4 का प्रश्न जो है, आपको दोस्तों ये बताना है कि कौन सी राशियां ऐसी हैं या कौन से राशियों के स्वामी ऐसे हैं जो जल तत्वों से संबंधित रखे गए हैं, या ये कह सकते हैं आपको ये बताना है कि कौन से ग्रह हैं जो जल तत्व के ग्रह समझे जाते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भी कोई इनका प्रश्न का उत्तर सही जवाब देगा, जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं, अभी दो विजेताओं को हमने नाम घोषित कर दिए हैं, तीसरे का जवाब भी बहुत शीघ्र देंगे, लेकिन आज का चौथा प्रश्न है कि आपको ये बताना होगा कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी ये श्रृंखला समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे जैसे हमारे पास सही उत्तर आते रहेंगे और उन लोगों को सही सही जवाब के द्वारा प्रतियोगिता में विजेता होने के कारण हम उनकी कुंडली का निःशुल्क समस्या समाधान या विश्लेषण करेंगे।